जी फ्रेंड्स, तो मैंने MGT 101 की जो फाइल बताई थी पिछली वीडियो में, और पिछली वीडियो में कुछ टिप्स भी बताई थी कि उनके क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, सारा हिसाब किताब जो भी था। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लें एक बार। और ये वो वीडियो जो मैंने फाइनली बनाई है, जो फाइल मैंने तैयार की है, इसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ तो ऊपर 18 हैं, लेकिन तकरीबन 20 टॉपिक्स हैं जो जिनके अंदर से पेपर 70 से 80% तक आता है। तो अगर आप ये कर लें और पास पेपर्स कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे हैंडआउट्स के अंदर से ढूंढ के रखे हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे पहले मेरे पेपर्स में आए थे, जिनके अंदर ये जनरल लेजर वगैरह थे, जनरल जर्नल थे, और बुक कीपिंग का था ऑफकोर्स, और ये टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में भी काफ़ी आया था। उसके अलावा ये जो एक मैंने ये टेबल बनाया है, इस टेबल को भी आप देख लें। इन इस टेबल के अंदर से MCQs आ जाते हैं कि अगर डेबिट इंक्रीज होगा, क्रेडिट डिक्रीज होगा तो क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, और लाइबिलिटीज़ में क्या सिचुएशन होती है, लाइबिलिटी हमारा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं पेपर में MCQs के अंदर। और उसके नीचे डेबिट की डिफाइन दी है, और डेबिट के बारे में कुछ एग्जाम्पल एक दी है जो कि मैंने इंटरनेट से ली है, ढूंढी है, इसी से मैंने भी तैयारी की थी। और यहाँ पे एक और टॉपिक है बैलेंस शीट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाइबिलिटीज एसेट्स करके तो पता ही है आपको। और हर टॉपिक ऑलमोस्ट एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल वगैरह के टॉपिक्स हैं, उनकी मैंने इस तरह से एक ग्राफ टाइप टेबल जो है बनाया है, जिसके अंदर उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। अगर आप वो याद कर लें तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो डिटेल पेपर में आ सकती है। MCQs में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन चीज़ों के आने के। ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, फाइल का गूगल ड्राइव में ये फाइल पड़ी है मेरे, तो उसका लिंक दे दिया मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और ये एक टेबल बनाया है छोटा सा बैलेंस शीट का, जिसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं और वो किस तरह वर्क करते हैं उसके बारे में छोटी सी एक एग्जाम्पल है, तो ये भी आप देख लें। इस सारे पेज के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, 19 से 20 टॉपिक्स हैं, तकरीबन 11 पेजेस हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये टॉपिक्स, अगेन वही कह रहा हूँ कि अगर ये टॉपिक्स एंड पास पेपर्स कर लें तो आई एम श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। इन टॉपिक्स के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने अभी तक हाईलाइट किए नहीं है, बट मैं कर देता हूँ। ये 4 टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा ये बैलेंस शीट का इम्पोर्टेंट है, ये जो जनरल लेजर वगैरह जो हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये वाले जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन का मुझे लॉन्ग क्वेश्चन आया था तो ये भी आ सकता है, तो इसके भी चांसेस काफ़ी हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल इतना इतना नहीं आता, एंड ई कॉमर्स वगैरह, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके। शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐसा क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। शॉर्ट में क्या पूछा जाता है कि डिफाइन सिंपल दो दो लाइंस की, कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स में डिफरेंस क्या है, और लॉन्ग में इसका आ जाता है कि इनका एक डिफरेंस बताएं, इनके यूजेस वगैरह बताएं, इनके फ़ायदे बताएं, इनके कोई नुकसान है तो वो बताएं, और इसकी कंप्लीट एग्जाम्पल्स पूछते हैं। अक्सर कहते हैं टेबल बनाएं, उस टेबल के एक साइड पर टेंजिबल और एक साइड पर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताएं। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रायल बैलेंस जो है, ये भी किसी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं पेपर्स में, तो आप इन टॉपिक्स की तैयारी कीजिए। और इस पूरी फाइल के अंदर काफ़ी जो डाटा है, ये डाटा इनमें से कोई भी हैंडआउट्स में से नहीं है, ये कुछ चीज़ें जो हैं मैंने खुद लिखी हैं, उनमें हो सकता है मिस्टेक्स भी हों स्पेलिंग, तो कुछ चीज़ें मैंने खुद लिखी हैं और कुछ चीज़ें वो हैं जो जहाँ से मैंने तैयारी की थी इंटरनेट वगैरह से, साइट्स वगैरह से, तो वहाँ से मैं सारा डाटा उठा के यहाँ पे आप लोगों के लिए रख दिया है। तो आप इससे तैयारी करें तो आई एम श्योर कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, और टेंशन लेना छोड़ दें। टेंशन जितनी लेंगे उतने ही मार्क्स आप यकीन कीजिए कम आएंगे, तो टेंशन वगैरह ना लें, सुकून से बैठ इसकी आराम से बैठ के तैयारी करें तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे इंशाल्लाह। और गुड लक फॉर MGT 101, अल्लाह हाफिज़।